बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज हम एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर अपने दिमाग से निकालने वाले हैं। एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देंगे। आज हम किस रिएक्शन को पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैनिजरो रिएक्शन को। इस पूरे रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन किस तरह से होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है और हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कैनिजरो रिएक्शन की। कैनिजरो रिएक्शन, तो कैनिजरो रिएक्शन होता क्या है, किस रिएक्शन को हम कैनिजरो रिएक्शन कहते हैं। हम उस रिएक्शन को कैनिजरो रिएक्शन कहते हैं जहाँ पे एक एल्डिहाइड हो, जिसके पास, इसकी खास बात है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन से हमारा मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से हमारा मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसकी अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, उसकी जो अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं हो रखी। ऐसा कोई एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है, ऐसा कोई एल्डिहाइड जब कोई रिएक्ट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसकी प्रेजेंस में, एक एल्केली की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एल्केली की प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करता है तो हमें मिलते हैं एल्कोहल और एक उसी का एसिड का सॉल्ट, उसी का एसिड या उसका एसिड हमें मिलता है, एक अल्कोहल और हमें मिलता है एक एसिड, हमें मिलता है एक अल्कोहल और एक मिलता है एसिड। ठीक है, अब इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अगर मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको मैं डिफाइन करूँ, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि कौन सा रिएक्शन था। अब इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है और सेल्फ रिड्यूस होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन में जाता है और सेल्फ रिडक्शन में जाता है। अब यहाँ पे दो टर्में आई, एक टर्म आई मेरे पास ऑक्सीडेशन, मेरे पास एक टर्म आई ऑक्सीडेशन और दूसरी टर्म आई मेरे पास रिडक्शन। ठीक है, अब मैंने कहा है कि जो एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्केली की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन में भी जाता है और रिडक्शन में भी जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो RCHO में जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की एडिशन हुई, कहाँ पे एडिशन हुई, RCOO, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना मेरे पास, एसिड। ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना, एसिड। और रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब इस मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हुई तो मेरे पास बना अल्कोहल, तो रिडक्शन से बना मेरे पास अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से बना मेरे पास एसिड। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजरो, कि वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी, सेम मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई, सेम मॉलिक्यूल की ही रिडक्शन हुई। दो मॉलिक्यूल हुए थे उसमें से एक ऑक्सीडेशन में चला गया, एक रिडक्शन में चला गया। ऑक्सीडेशन से हमें मिला एसिड और रिडक्शन से हमें मिला अल्कोहल। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जब कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जा रहा है एक मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल अपने आप ही ऑक्सीडेशन में चला जाए, अपने आप ही रिडक्शन में चला जाए, उस रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है। जब कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में कर रहा है, सेम मॉलिक्यूल एक रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात हमें समझ आ गई, अब कैनिजरो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। अब इसके मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा डर लगता है, जो उसका मेन मुद्दा है उसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे चलता है मैकेनिज्म, आपको ईजिली समझ आएगा। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कैनिजरो रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने यूज़ क्या किया होता है, NaOH यूज़ किया हुआ है। NaOH क्या है मेरे पास, NaOH टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो अब ये OH नेगेटिव मेरे पास जो NaOH से टूट गया है वो ये रखा हुआ है, और ये है मेरे पास एल्डिहाइड, ये है मेरे पास एल्डिहाइड। अब समझिए इस चीज़ को बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अब हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे इस तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इसने खींचे इस तरफ कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की आ रही है कमी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। ठीक है,
अब इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए कहीं ना कहीं से, प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, अब इसको चाहिए कहीं ना कहीं आसपास से ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन, आसपास ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन ढूंढ दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने होने चाहिए तो उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, एक ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा सी और ओ एच के बीच में एक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कितने, दो। अब इसको समझिए, इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, कार्बन है ठीक है, ये बीच वाला कार्बन है, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने दिया कार्बन को, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया उसने, उससे बन गया सी और ओ एच के बीच में बॉन्ड, सी और ओ एच के बीच में बॉन्ड। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया था तो एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है समझिए, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पे समझिए। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में और एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा है, प्लस एक कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो जो कार्बन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर तो इसका आया नेगेटिव चार्ज और जो बॉन्ड था वो टूट गया, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन पे, अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी, तो सिंगल बॉन्ड बचा, बाकी का ग्रुप ऐसे एज इट इज, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल था, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहां भी तो दूसरा मॉलिक्यूल है, यहां पे भी तो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां भी सेम फंडा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहां इस वाले ग्रुप में, इस वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज, ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज, अब ज्यादा देर तक नेगेटिव चार्ज लेके अपने पास रख नहीं सकता, ज्यादा देर तक अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे नेगेटिव चार्ज, उसको तो न्यूट्रलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए होती है, स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए होती है, तो उसने दोबारा फेंके इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर। अब जब दोबारा उसने कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंके, दोबारा जब उसने कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंके, तो अभी तक तो उसकी वैलेंसी सारी पूरी हो रखी थी, यहां से उसने इलेक्ट्रॉन ले चुका था ये, तो वैलेंसी पूरी हो चुकी थी। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके ऊपर, अब उसको अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर ही जाना है, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, ओ नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया कार्बन के ऊपर, ठीक है, जो अब इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इस कार्बन के ऊपर आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ऊपर आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये एकोमोडेट नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी चाहिए कि मेरे पास फालतू का बर्डन आ रहा है, मेरे को भी वो बर्डन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो देखेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये कहेगा भाई ये जो वाला जो मेरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड मेरे पास हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ये कहेगा भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आप चले जाओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आप चले जाओ। अभी हाइड्रोजन बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को पास आपने इलेक्ट्रॉन का एक और बर्डन, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज आ गया, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का बर्डन देके आपने मेरे को कहीं भेज रहे हो, मैं जाऊं तो जाऊं कहां पे, तो ये कहेगा भाई यहाँ इस कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, आप यहां पे शिफ्ट हो जाओ, तो क्या होगा ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखिए समझिए, पहले इसकी बात करते हैं, देखिए R था कार्बन, इसने इलेक्ट्रॉन वापस छोड़ा C का डबल बॉन्ड, ठीक है, ये H निकल गया और बचा सिर्फ OH, ठीक है, ये तो आ गया एसिड मेरे पास, ये मेरे पास आ गया एसिड प्लस। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल में क्या हुआ, R था कार्बन के साथ लगी हाइड्रोजन, कार्बन के साथ लगी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगी हो और यहाँ पे क्या लगा O नेगेटिव चार्ज, ये आ गई एल्कोक्सीएन, तो ये मेरे पास आया प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम के केस में, इक्विलिब्रियम में जब ये दोनों बन जाएंगे तो जो एच यहाँ का एच पॉजिटिव है ये अटैच होता है यहाँ पे और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये वाली जो आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाली आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस होगी तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, तो जो एच पॉजिटिव है यहाँ पे लग जाता है, ये हमारा आ गया अल्कोहल, ये मेरे पास आ गया एसिड जो Na के साथ मिलकर बना देता है सॉल्ट, Na पॉजिटिव, तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है कैनिज़ेरो रिएक्शन का। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सॉल्व करूँगा। थैंक